हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, मैं ग्लोबल मैथमेटिक्स सेंटर की यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों को स्वागत करता हूं। साथियों, आप जैसे कि जानते हैं कि आज नया वर्ष प्रारंभ हो चुका है और नया वर्ष का आज थर्ड डे है, मतलब कि तीसरा दिन है। साथियों, आपके और आपके पूरे परिवार को मेरे तरफ से और मेरे चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स सेंटर की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं। साथियों, ये नया वर्ष मेरे लिए और आप सभी साथियों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है और ये सुनहरा मौका हम लोग बहुत अच्छे से, जुनून से, जज्बे से अपने और प्रतिदिन लगातार मेहनत कर इस साल में हम लोग सिलेक्शन पाएंगे। आप लोग मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए और मेहनत के बदौलत कुछ हम हासिल कर सकते हैं। तो आप लोग एकदम लगातार मेहनत करिए। मान लेते हैं कि कोई भी चीज मेहनत से ही कुछ होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हम, देखिए मेरे चैनल के सब्सक्राइबर आप लोग देखते होंगे कि चैनल के सब्सक्राइबर 6000 के करीब पहुंचने वाला है। तो ये मेरे बदौलत नहीं हुआ है, मेरे कर्म से नहीं हुआ है, आप लोग किए हैं। मेरा वीडियो अगर आप देखते होंगे, अच्छे लगता होगा, तभी आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। तो बहुत सारे आप लोग प्यार दिए, आशीर्वाद दिए और चैनल को यहां तक पहुंचाने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए भी। साथियों, अब नए वर्ष पे हम लोग हम भी कुछ है और ऑनलाइन के थ्रू पढ़ाना चाह रहे हैं और ऑनलाइन में हम एक न्यू बैच लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द ही, मतलब कि एक या दो दिन में हम न्यू बैच अपना ओपनिंग कर देंगे और खूब बढ़िया तरीके से ओपनिंग करने वाले हैं, ठीक है। ये नहीं रहेगा कि आज वीडियो डलाया तो कल वीडियो नहीं मिलेगा, मतलब प्रतिदिन 45 मिनट, 40 मिनट, मतलब आधे घंटे के ऊपर ही वीडियो मिलेगा और वो हम आपको सिलेबस बताएंगे। अब आपका रहेगा इसका सिलेबस, मतलब कि नए वर्ष में नया चीज कुछ करने के लिए हम तैयार हैं, आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा। तो कल मैं आपको सिलेबस बताऊंगा और सिलेबस के थ्रू मतलब क्या पढ़ना है, कौन सी सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर होते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक। वीडियो मिलेगा, वो सिलेबस की वीडियो मिलेगा, मतलब कि शाम को ही, मतलब कल शाम को 7 बजे आपको वीडियो मिल पाएगा और कल इस वीडियो में सिलेबस बताऊंगा और इस वीडियो से आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।